मार्केट ने, देखिए मार्केट ने पिछले कुछ महीनों में मार्केट डबल हो चुका है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट नीचे आएगा? जी, देखिए प्रॉफिट बुकिंग तो हो रहा है, म्यूचुअल फंड में आउटफ्लोज भी आ रहे हैं, पर जब आप रिस्क की बात कर रहे हैं, लास्ट 5 साल में आप मुझे बताइए, किसी ने डिमोन आता देखा था? किसी को पता था कोरोना आएगा? ये सब जो रिस्क हैं, बॉर्डर का जो रिस्क है, ये सब अननोन से, ये कब कहाँ से हो जाएंगे, इसके लिए आप प्रियम्प्ट नहीं कर सकते नहीं, मैं उसकी बात नहीं नोन। कर रहा हूँ खंडेलवाल जी, मैं उसकी बात नहीं, मैं सिर्फ यस एक ही चीज की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट बुकिंग की। दैट्स ऑल। सर, प्रॉफिट बुकिंग के लिए मेरे को एक बात बताइए, एक अच्छी चलती आपके बिजनेस के इन्वेस्टमेंट को आप क्यों तोड़ना चाहेंगे, अंटिल अनलेस आपको पता हो कि आगे इस बिजनेस में ये रिस्क है। आज रिस्क क्या, जो पहले रिस्क होते थे जो कि नॉन रिस्क हैं, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, करेंसी डिप्रिशिएट हो गया सडनली, आज आपको वैसा कोई भी रिस्क लगता है? एक अगर सपोज करिए कल सडनली आता है कि गवर्नमेंट्स इंटरनेशनली लिक्विडिटी विड्रॉ करेंगे, देन देयर इज अ रिस्क टू द मार्केट, क्योंकि पैसा निकलेगा, देन इट इज अ रिस्क। बट आज के डेट में, एट दिस पॉइंट इन टाइम, जहां पे ग्लोबली स्मॉल बिजनेसेस दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग अ लॉट, आई डोंट सी दैट देयर वुड बी एनी काइंड ऑफ विड्रॉवल इन नेक्स्ट 1 or 2 years। सो दो अच्छा साल के लिए जब लिक्विडिटी इज फाइन, जब बिजनेस फंडामेंटल्स आर इंप्रूविंग, आई डोंट सी एनी फंडामेंटल रीजन फॉर अ इन्वेस्टर टू विदड्रॉ मनी। जी, अननोन रिस्क जो है, दे कैन ऑन एनी वेज, दे कैन ऑलवेज कम, बट देन फंड मैनेजर का काम यही है ना सर, हमारा काम यही है कि वो जब रिस्क आएगा देन अकॉर्डिंगली वी विल नेविगेट।